हेलो नमस्ते खम्मा घड़ी, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गोविंद चौधरी व्लॉग्स पर। और आज की हमारे सुबह हो चुके हैं चुलबुले बच्चों के साथ, सुबह सुबह नाचने में लग रहे। हर वीडियो में नाचोगे क्या तुम? हमारी स्टाइल तो हमारी आपको बना रहे, जैसे बना रहा हमारा स्टाइल। अभी अपने घर पे कौन आया हुआ है? जय भाई आए हुए, मामा जी आए हुए और नानी आई हुई है। नानी को दवाई दिलाने के लिए आए और नानी की तबीयत अभी थोड़ी ठीक है पहले से। ये दोनों बच्चे बदमाशी कर रहे थे, इनको मुर्गा बना दिया। अब सुनो, मुर्गे तो बन गया और पीयूष सही से बन, बेईमान नहीं। और अब अंडे भी दो दोनों अंडे भी दो दोनों। और आगे होते जाओ, अंडे पे बैठ के फोड़ोगे क्या उसको? चलो उठ जाओ, जाओ माफ कर दिया। चलो आज के बाद में बदमाशी करते दिख गया ना, तो फिर मुर्गा नहीं, फिर तो तुम्हारा वो बना दूंगा, मोर, समझ गए? और अभी नानी और मामा जी दोनों जा चुके हैं और हम लोग अपने घर में आ चुके हैं। मम्मी तोड़ के लाई है रंजके का बीज, दिखाओ मम्मी। मम्मी नहीं दिखाना चाहती है और हम देख भी नहीं सकते अगर वो नहीं दिखाना चाहती है तो। मम्मी कहती है कि माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नॉन ऑफ योर बिजनेस। ये देखिए, ये रंजके का बीज है। ये रंजका पूरी तरह से पक चुका है और इसका बीज हमने तोड़ लिया है। ये लटका दूंगा मैं। क्या? अच्छा ये नीचे देखो, नीचे ये है भाई टाटून का घर। नीचे वाह, देखो कैसे स्टाइल से बना रखी है, सीढ़िया बना रखी है। अरे वाह वाह, टाटून मौज कर दी, वाह। ये दोनों टाटे, ये भी टाटे ही है दोस्तों, ये दोनों भी टाटे ही है। ये छोटे टाटे हैं और इनकी पड़ेंगे अब चाटे। लो जी अब नहा लेते हैं, नहाने का टाइम हो चुका है। नहा के खाना वाना खा के फ्री होके फिर कुछ करते हैं। दोनों भेज रही है। अरे 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 बेटा रुक जा। अरे नहीं, पता नहीं क्या बोल रही भैंस को। आगे आगे जरा ये कहीं उधर है। तो नो कहाँ जा रही है? है? आप है ना अंदर थे ना, हाँ। तो भी मैंने देख कर आपकी पहाड़ियों को दूर भगा दिया। और ऊपर से जब भी वीडियो बनाते हैं कोई ना कोई ट्रैक्टर आ जाता है। और फिलहाल बज रहे शाम के 5:30 और हमारे घर पे आ चुके हैं मनीष जी। मनीष जी को आपने पिछले हमारे कई वीडियो देखा है, जो वैक्सीन वाला वीडियो था उसमें भी आपने देखा है। और आज फिर से हमारे साथ मनीष जी आ चुके हैं। मनीष जी के आने का कारण बड़ा अतरंगी कारण है। ये हमारे 500 सब्सक्राइबर्स का केक खाने आए। अब खाने आए नहीं है, अब खाने आए 3 दिन बाद। कैसे आदमी है मनीष जी, को ये बात पता नहीं कि राई के भाव तो रात को ही चले गए। उदास चेहरा, उदासी से भरा हुआ चेहरा। आपको 5000 सब्सक्राइबर होने पर केक जरूर खिलाए। और आज वो सब्जी बन रही है जो चलती है 3-4 दिन। कौन सी वाली आप तो समझ जाओगे, आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए केरी की चटनी बन रही है जो चलेगी सालों साल बेमिसाल। भाया जा पड़ी 4-5 दिन की। अभी पापा जी का कॉल आया, पापा जी ने कहा है कि जा और मेरी पैंट और शर्ट प्रेस करवाने के लिए मैं देख रहा हूँ, वो लेकर आ जा। तो अभी वो लेकर नहीं चलते। चलो झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो चलो पैदल ही चलते हैं, बस कुछ मिनटों में पहुँचने वाले हैं। चलो दुकान तो खुली है इनकी, नजर नहीं आ रही किधर है, किधर चले गए। ड्रेस भी रखी हुई अपनी। और मैं ऐसा करता हूँ ये पैसे रख जाता हूँ, उठा लेंगे बाद में आके। अपने कपड़े तो रखे हुए हैं यहीं पे। चलो मिल गया वो बंदा ही, बैठा बैठा चाय पी रहा था बैठा थड़ी पर, दिख गया उसको मैं। फिर उसने आवाज़ लगा दी मेरे को, तो चलो उसी को दे दिया। और वो बोल भी रहा था कि वहाँ पे मत रखा कर, कोई उठा के ले जाएगा पैसे मेरे। मैं बोला यार दुकान पर बैठा कर फिर तू। बाकी इस फैक्ट्री में तो तगड़ा काम चल रहा है अभी, ऑल इंडिया पाइप सप्लाई। ये देख लो, पाइप ही पाइप, पाइप की फैक्ट्री है ये पूरी फैक्ट्री। इधर आगे भी ट्रक खड़े पाइपों के। और अभी लॉकडाउन खुला है, ये देखो आप फैक्ट्री है में ट्रक ही ट्रक, वहाँ तक पीछे तक लाइनें लग रही है ट्रक ही ट्रक की। अपना काम कंप्लीट हो गया। भोले बाबा जाओ। अभी यार एक बहुत बड़ी चोट होते बच्ची। चाचा जी ने कहा कि ये ले ATM कार्ड, वो जाकर पैसे निकला कर ला। मैं गया, मैंने पैसे निकलाए, कार्ड को अपनी जेब में रखा, पैसे रखे जेब में और गाड़ी लेकर आ गया। घर आकर मैंने पैसे दिए और जेब जैसे टटोला, ATM कार्ड नहीं मिला। मेरा दिमाग खराब। और सुबह के टाइम पैसे और निकलाने हैं, क्योंकि अपने आएगी चारे की गाड़ी। अब आपको पता ही अपने चारे की डाले तो सुबह आनी है चारे की गाड़ी, तो सुबह और पैसे निकलाने थे एटीएम कार्ड से। मैंने जेब टटोली, एटीएम कार्ड नहीं मिला, दिमाग खराब। मैंने लाइट जला के फोन की चारों तरफ ढूंढ दिया, लेकिन एटीएम कार्ड नहीं मिला। फिर भाई मैं गाड़ी लेके जो भागा एटीएम, वहां पे गया, जाते ही एकदम घुसते ही फर्श पे मिल गया। मैंने भाई ऐसा रिलैक्स होना, मैं मेरे यूं हो रही थी। कार्ड मिल गया, लेकिन वहां पे क्या कोई आया नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा बंद चल रहा है, तो शाम को जल्दी दुकानें बंद हो जाती है, इसलिए कार्ड वहीं पे मिल गया। कोई आया नहीं इतनी देर में, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, वरना चाचा मेरे को जो सुनाते, लाख लाख रुपये निकाल लिया। वो आप अंदाजा लगा सकते हो अगर आपने सुनी हो तो। तो बच गया। और आपके लिए एक बहुत अच्छा वाला सरप्राइज है, हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा उनसे मिलके। तो सस्पेंस है, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको मिलाने वाले हम ऐसे मेहमानों से जो देंगे आपको भरपूर कंटेंट। भरपूर मतलब एक मेहमान तो ऐसा है कि ये समझिए ताबड़तोड़ मेहमान है, वाइब्रेंट एकदम, एकदम मजा आ जाएगा, इतना तगड़ा कंटेंट देगा वो। तो अगला वीडियो जरूर देखना। और वो मेहमान कौन है, अगर आप गेस कर सको कि कौन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? देखते हैं कौन से गेस करता है। फिलहाल 9 बज चुके हैं, तो आज का टाइम हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और गुड नाइट, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।